मैं तो सुबह सुबह नाक से खून भी आ गया। अब तो बारिश शुरू हुई है। तो ये रूम क्या है? एक ही चीज का अलग अलग दुकान पे अलग अलग रेट है, तो अभी मैं पता कर रहा हूँ। और पता हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ? एक जगह पे हम सामान लेने के लिए रुके हुए थे, रात का खाना पीना हो गया, पीना तो मैंने बहुत ज्यादा करा है। सुबह के अभी 10:30 हो रहे हैं, भाभी जी जा रहे हैं अभी रिस्सू के स्कूल में, क्या है पीटीएम। और जब तक भाभी जी नहीं आते हैं तो आरब को मुझे देखना है घर पे, कहीं ये रोए ना। अच्छा रोएगा तो नहीं? अगर रोएगा तो हम गढ़वाली गाने सुनेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के देहरादून शहर से। वीडियो एडिटिंग का थोड़ा सा काम था, चलो अभी वो भी हो गया है। अब गांव में तो बहुत दिक्कत होती थी नेटवर्क की, यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है तो मात्र 5 मिनट में ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। बोल का है आरु, बोल का है आरु, देखो अभी से क्रिकेटर बनने लग गया। चलिए जी, अभी रिस्सु भी स्कूल से आ गया। रिस्सु क्या क्या हुआ आज स्कूल में? चौमिन खाई और फ्रूटी दिया। पढ़ने नहीं जाते वो स्कूल में? पढ़ने जाता हूँ ना, आज काम ही नहीं करा। आज मैम ने बोला था कि कॉफी मत लाना। आज कौन सा डे था? आज कुछ प्रोग्राम था स्कूल में? हाँ पार्टी करी, अब तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा पार्टी थी आज स्कूल में? हाँ। रिस्सू इनके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, तो आज भी कोई एक्टिविटी थी इनके यहाँ। अभी मैं और प्रदीप जा रहे हैं मार्केट, एक्चुअली प्रदीप के छोटे भाई का किसी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड बात करनी है, तो उसी काम के लिए जा रहे हैं। बाइक देखो मैंने नीचे धूप में ही लगाई हुई है, और बाहर ना बहुत तेज धूप हो रखी है अभी। अब यहाँ से सबसे पहले हमें मोखमपुर जाना है, जो कि लगभग 25-30 किलोमीटर है, और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, मैं तो सुबह सुबह नाक से खून भी आ गया। अब बताओ, एक दिन की गर्मी से ही नाक से खून आने लग गया। चलिए जी, ये यहाँ पर रहा UIHMT उत्तरांचल इंस्टीट्यूट, तो यहीं पे जाने हैं अभी हमें। चलिए जी, यहाँ कॉलेज में भी बात हो गई है, अभी फिलहाल एक बार यहाँ पे रूम की व्यवस्था करनी है। ये आगे स्कूटी में मेरे मामा जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले हमारे गांव आए थे तरसाले वाले घर में, अचानक से ही मिल गए, तो अभी तो मामा जी के घर नहीं जा सकता हूँ, कुछ काम है। कॉलेज का काम अभी हो गया है, यहीं पास में अक्खी का घर भी है, तो काफ़ी टाइम से अक्खी से भी नहीं मिला, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अक्खी के घर पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देहरादून में है ये मेरा अगला दिन, और कल हम वहाँ से जाने के बाद अक्खी के यहाँ गए थे, बहुत टाइम तक वहाँ पे रहे, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अक्खी आजकल कहाँ है, तो अक्खी देहरादून में ही है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो कभी कभी ही मिलना होता है उससे, अब देखते हैं। और अभी सुबह सुबह रिस्सु जिद कर रहा है कि एक पार्क में जाना है, पता नहीं कहाँ है वो पार्क। कहाँ है पार्क? और साथ में हम आरू को भी लेकर जा रहे हैं अभी। और यहाँ इस वाली बालकनी में ना हमेशा कबूतर अपना घोंसला बनाता है, तो वो सामने देखो जी, एक अंडा दे रखा है उसने वहाँ पे, और अभी देखो उसमें कबूतर भी बैठ गया। चलो बाहर आ जा, इधर 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 ना, निकाला नहीं है वो, तो इसलिए हम ये वाला दरवाज़ा बंद ही करते हैं, इस वाली बालकनी में आना जाना बंद ही रहता है। रिस्सू के कहने पे हम यहाँ तो आ गए हैं, अब पता नहीं कौन से वाले पार्क में ले जाएगा। चलो 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 आरु, चलो। मुझे लग रहा था रिस्सू पता नहीं हमें कहाँ ही लेकर जाएगा, उसकी स्कूल के पास में एक पार्क है जहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं बच्चों के खेलने के लिए। आराम से आना, आराम से नीचे। सबसे ज्यादा खुश तो आरब हो गया है, क्योंकि ये घर से बहुत कम निकलता है बाहर। भागो, हाँ। हम
लोग अभी बाइक से जा रहे हैं और ऋषि को पीछे भगा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। आजा आजा। पाँच सौ मीटर हो गए होंगे, ऋषि अभी भाग रहे हैं हमारे पीछे। आजा आजा जल्दी आजा। ऋषि तो फौजी है यार, थकान भी लगी है? एक ना। अरे यार इसकी देखो सांसें भी नहीं चढ़ रही हैं। अभी शाम के टाइम पे मैं जा रहा हूँ कुछ काम से मार्केट, और मेरे साथ ऋषि भी आ रहा है। सबको नमस्ते करो। नमस्ते। आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि मेरे को भी मन करता। अगर मैं ऋषि को नहीं लेकर जाऊंगा ना तो ये यहाँ घर में रोता रहेगा, मैंने सोचा थोड़ा इसको भी लेकर चलता हूँ। शाम के 6:30 हो रहे हैं और यहाँ देहरादून में तो जब धूप चले जाती है उसी के बाद बाहर निकलने का मन करता है। अभी तो एकदम मस्त मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज तो मेरे साथ छोटा बॉस भी है। ठीक है। ऋषि को सब पता है, बोल रहा कि यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि आगे से रेड लाइट है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल बहुत चीज़ें पता रहती हैं। ना 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 ना। हाँ 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 वो तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ अब ऋषि के ना बहुत सारे सवाल हैं, पता नहीं चाचू 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 करते जा रहा है। तेरे को बजरंग बली दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे बजरंग बली देख, ये सामने पे देख। जय हो बजरंग बली जी की, जय हो बोलो। अभी हम लोग रिस्पना पुल पहुंच गए हैं और सबसे ज़्यादा जाम मैंने देखा शाम के टाइम पे इसी जगह लगता है। चलो हम तो बाइक वाले हैं, साइड से निकल जाएंगे, निकलने के लिए होगा तो। अगर टायर पंचर हो जाएगा तो कैसे जाएंगे, है ना? वही तो। थार दिखी क्या? कसम से छोटे बच्चों को भी पता है कि थार कौन सी है। हमें जाना है इस वाली गली में अंदर, UIHMT। चलिए जी अभी पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखो आज हरदीप भी देहरादून में पहुंच गया, इसी का यहाँ कॉलेज में हमने एडमिशन करवाया है। कैसा लग रहा है देहरादून? आज तो पहला दिन है। तो ये रूम किया है, थोड़ा सा महंगा तो पड़ा है लेकिन अगर धीरे धीरे कॉलेज में कोई पार्टनर बन जाएगा तो फिर ना दो में फिर सस्ता ही है। तो ये कुछ रूम है, दो बेड लगे हुए हैं यहाँ पे जो कि पहले से ही हैं और यहीं पे अटैच वॉशरूम है। कुल मिला के बढ़िया है, बस एक और बंदा मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया है। चाचू स्क्रीम रोल लेकर घर चलते हैं। घर चलते हैं? यहाँ आए क्यों फिर? तो घर चलो ना। घर चलो वाला आया। ठीक ठीक हुआ, मिलते हैं तब। रात के अभी 8 बजने वाले हैं, हम लोग भी निकल गए हैं अभी और यहाँ से ना बहुत टाइम लगता है ऋषि इनके यहाँ पहुँचने के लिए, तो लगभग 40 मिनट तो लगेंगे हमें घर पहुँचते पहुँचते। अभी यहाँ मार्केट में मैं एक चीज़ खरीदने आया हूँ, बहुत जगह पता कर लिया है लेकिन रेट में ना बहुत ज़्यादा अंतर है, एक ही चीज़ का अलग अलग दुकान पर अलग अलग रेट है। तो अभी मैं पता कर रहा हूँ जहाँ पर ठीक लगेगा फिर वहीं से ले लेंगे। ये है जी देहरादून का घंटाघर, जब लाइटिंग होती है तो देखो क्या मस्त लगता है। ऋषि की ड्यूटी लगी है गैराज खोलने की। चलिए जी अभी घर में पहुंच गए हैं और पता हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ, एक जगह पे हम सामान लेने के लिए रुके हुए थे और अचानक से कोई आया, उन्होंने मेरे को झप्पी दे दी, मैं एकदम से डर गया। और एक्चुअली वो हमारे व्यूअर थे वहाँ पे, तो उनकी पूरी फैमिली से भी हम लोग वहाँ पे मिले, बहुत अच्छा लगा। वो वाला मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाया लेकिन अच्छा लगता है जब कोई भी वीडियो देखता है मिलते हैं।
बाकी थोड़ा सा बड़ा दिल भी होना चाहिए। वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग जाते जाते पहचानते भी होंगे, लेकिन बड़ा दिल होना चाहिए जब कोई बोलता है कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। वैसे कोई इतना बड़ा काम नहीं करते हम लोग, बस वीडियोज ही बनाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई व्यूअर मिलता है। और स्पेशली रिसु से, उन्होंने फट से ना रिसु को पहचान लिया वहाँ पे। रिसु कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? अच्छा अच्छा लगा। आज रात का खाना पीना हो गया, पीना तो मैंने बहुत ज्यादा करा है, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या पिया, क्या क्या पिया? पानी पिया है भाई, पानी पानी पानी। पक्का? कुछ और तो नहीं पिया? तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।